किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं गंगानगर और अभोर के बीच में, और विलेज का नाम है राजावाली। अभोर के पास है गंगानगर, तो उस रोड पे पड़ता था, तो मैं घूम घाम के आया हूं। और आज एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूं आपके सामने। ये देखिए, ये बीच की, जैसे बंटवारा कहते हैं इस खेत का, उस खेत का ये बीच की मेड़ है। और इधर देखेंगे आप, पानी देखेंगे, यहाँ पानी खड़ा है इस फील्ड में। आगे तक देखेंगे पूरा पानी खड़ा हुआ है, अच्छा पानी है। और इस साइड देखेंगे आपको वाटर नहीं है, आप इसमें चल भी सकते हैं, ये चल भी सकते हैं। तो ये अनुभव जो रहा मेरा आज का, और मैं पहले भी देखता रहूँ, पहले भी अनुभव किया मैंने, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है, बहुत बेहतरीन है। फार्मर ने इधर पॉलीसल्फेट यूज़ किया है, इधर पॉलीसल्फेट नहीं डाला। सेम खेत है, बराबर का खेत है, और कॉटन का भी फ़र्क देखेंगे, हाइट का भी फ़र्क है। ये हम देखें तो इसमें ग्रोथ का भी फ़र्क है, इधर थोड़ा सा ग्रोथ कम है। और आज ये देखेंगे पानी वैसे पीलापन पड़ना शुरू हो गया है इस कॉटन का, ये देखेंगे ये पीलापन पड़ना शुरू हो गया है। और इधर देखेंगे बहुत अच्छी कॉटन है। तो ये प्रवेश जी खड़े हैं, और आप देखेंगे कहाँ तक आपकी कमर तक आज कॉटन हाइट हो चुकी है, थोड़ी फ्लावरिंग भी आ रही है। तो मेरा यही रहेगा, 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पॉलीसल्फेट, आप इसको यूज करें और अपनी खेती भूमि का सुधार करें। सिरोलीज फर्टिलाइजर है, धीरे धीरे प्लांट को मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। जितना खाद डाल रहे हैं उतना आपके प्लांट को मिल रहा है, उतना आपका पैसा काम कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ICL का यूट्यूब चैनल ICL नॉर्थ, GP शर्मा। और फिर मैं आपको एक अनुभव साझा करूँगा जब भी मौका मिलेगा। तो मैं आज फील्ड को देखने आया था, बड़ा अच्छा लगा। मेरे को फार्मर ने जब फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है, ऐसा मुझे रिस्पांस मिले हैं, ऐसा इतना बेनिफिट मिला है। तो मेरे को जब मैं फ़ोन करके आया तो यहाँ मुझे नहीं मिले, तो फिर भी मैंने फील्ड किया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। तो मैं चाहूँगा सभी फार्मर इसको यूज ज़रूर करें और देखते रहें। और जो मेरा आज चैनल है ये ICL नॉर्थ के नाम से, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। जो हमारे कॉटन के फार्मर हैं वो एक बार इसको ज़रूर यूज करें। और इस जो वाटर लॉगिंग होती है, वाटर जो आपका खड़ा हो रहा है उससे थोड़ा समस्या से दूर करें। जब पानी ज़्यादा खड़ा रह गया कॉटन के अंदर तो हमारी जो कॉटन है ख़राब हो जाती है, मच जाती है, और हमारा जो 6 महीने की जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो आपको जितना हो सके अधिक से इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, जिससे फार्मर पूरा फायदा ले सकें, अपनी कॉटन को बचा सकें। पॉलीसल्फेट ऐसा न्यूट्रिशन है जो लंबे समय तक प्लांट को न्यूट्रिशन दिलाता रहता है, जिसमें सल्फर, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जो हमारी कॉटन के लिए हर फसल के बड़ा महत्वपूर्ण खाद है। खाद एक है, फायदे अनेक हैं। तो इसको आप यूज करते रहे तो आप भी ये देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स है। जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जो पेस्ट की एक एक, एक, एक वोकेबुलरी होती है इसकी एग्रीकल्चर की, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिस फील्ड में पॉलीसल्फेट यूज हुआ है उसमें जो डेंसिटी है, जो पेस्ट है या इधर वाइट फ्लाई है और थ्रिप्स है, वो कंपेरेटिव टू नॉन पॉलीसल्फेट फील्ड के कम है। यानी कि जिसमें पॉलीसल्फेट डला हुआ है उसमें पेस्ट भी कम है, ग्रोथ अच्छी है, वाटर लोड नहीं है, और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, लंबे टाइम तक काम कर रहा है, और बॉल फॉर्मेशन भी हो रही है। जो नॉन यूज़र है उसमें बॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसमें बॉल फॉर्मेशन भी हो रही है। तो और जानकारी तो बने रहें हमारे साथ, आगे आप और वीडियो शेयर लाएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें आगे, जिससे अन्य फार्मर को फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।